ब्रेकिंग न्यूज ये कि आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है सीबीआई। सीबीआई आज फिर शौविक पिठानी और नीरज से भी करेगी पूछताछ। कल तीनों से 14 घंटे तक हुए थे सवाल जवाब। ड्रग्स केस में एनसीबी भी रिया शौविक जया को जारी कर सकती है समन। पूछताछ के बाद आज कभी भी हो सकती है रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी। एनसीबी ने आज 4 लोगों को पूछताछ के लिए उठाया है। इनके ड्रग पेडलर के साथ क्या कनेक्शन रहे हैं जया साहा, गौरव आर्या, सुशी मिरांडा और रिया चक्रवर्ती शौविक चक्रवर्ती के साथ क्या इन लोगों का कोई कनेक्शन रहा है? यानी एनसीबी की टीम दिल्ली से मुंबई जैसे ही पहुंची वैसे ही पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। अब रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है क्योंकि एनसीबी ने एनडीपीएस एक्ट की गंभीर धाराएं लगाई हैं 20, 22, 27, 29। आई रिपीट, धाराएं लगाई गई हैं 20, 22, 27, 29 एनडीपीएस एक्ट की और इनमें यह कहा जा रहा है कि ये धाराएं बहुत गंभीर हैं। रिया चक्रवर्ती हालांकि अलग अलग इंटरव्यूज के जरिए अपने लिए सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है लेकिन रिया चक्रवर्ती ने जो भी आपराधिक षड्यंत्र रचा है उसका जवाब देना होगा।